तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस और साथ ही साथ हमने देखा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का भी सेक्शन, और हमने हॉर्मोन्स की बात की थी कि कौन कौन से हॉर्मोन्स कहाँ कहाँ पे मेल में अफेक्ट डालते हैं या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से हॉर्मोन्स अफेक्ट डालते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। आज के लेक्चर में थोड़ी सी अपनी कहानी को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे और इसी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो अगला क्वेश्चन कहां से बन सकता है उसकी ही बात कर लेते हैं। तो अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग जरा देखें तो जो कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कुछ उसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो देखो ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना। और यूरिनरी ब्लैडर में क्या स्टोर होती है, यूरिन स्टोर होती है। और जो यूरिन लेके आ रहे हैं वो कौन लेके आते हैं, वन पेयर यूरेटर, यूरेटर, ठीक है ना। अब ये यूरेटर कहाँ से अराइज होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कैसे काम करता है, ये सब हमें एक्सक्रीशन की बातें हैं, एक्सक्रीशन में पढ़नी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं तो उसकी बातें करते हैं। तो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर बनाया, यूरेटर बनाया। अब देखिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो है टेस्टिस, ठीक है ना, टेस्टिस। तो देखिए वन पेयर टेस्टिस प्रेजेंट है स्क्रोटम में, तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, बताया भी है आपको, स्क्रोटम या तो स्क्रोटल सैक बोल सकते हैं इसको। अब देखो यार यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट है और मैंने आपको बताया था कि इन टेस्टिस में क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में दो से तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रेटेड टेस्टिस में ओपन होती हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रेटेड टेस्टिस में ओपन होती है। रेटेस टेस्टिस वास इफरेंशिया में ओपन होती है और वास इफरेंशिया अल्टीमेटली ओपन होती है एपिडिडाइमस में, क्लियर। ये सब पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है। तो वास इफरेंशिया अल्टीमेटली ओपन कहाँ पे होती है, एपिडिडाइमस में ओपन होती है, और एपिडिडाइमस ओपन होती है किस में भाई साहब, एपिडिडाइमस ओपन होती है वास डिफरेंस में। यहां से आगे की बात समझिए आप, एपिडिडाइमस ओपन होती है वास डिफरेंस में, तो ये एपिडिडाइमस है और एपिडिडाइमस ओपन हो रही है वास डिफरेंस में, ठीक, एपिडिडाइमस ओपन हो रही है वास डिफरेंस में। तो ये क्या है, ये है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, ठीक है ना। अब ये जो वास डिफरेंस है ये कहां ओपन होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होता हुआ, जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर है इसके ऊपर से होता हुआ नीचे ओपन होता है एक ग्लैंड में जिसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। अब ये हमारा स्ट्रक्चर 3D तो है नहीं, तो हमने यहाँ पे इसको यहीं से ओपनिंग कर दी है, लेकिन बेसिकली इसकी ओपनिंग कहाँ से होती है, ऊपर से होती है। और ये जो ऊपर से ओपनिंग होती है ये ओपनिंग कहाँ होती है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के नीचे की तरफ, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे की तरफ वन पेयर ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये जो वास डिफरेंस है ये ओपन होता है एक वाइड स्ट्रक्चर में, यानी कि ये वास डिफरेंस या ये कह सकते हैं कि ये चेंज हो जाता है थोड़ा सा एक वाइड स्ट्रक्चर में। और जो ये वाइड स्ट्रक्चर है ये ओपन होता है कहाँ पे, सेमिनल वेसिकल में। तो ये वाइड स्ट्रक्चर कहाँ पे ओपन होता है, सेमिनल वेसिकल में ओपन होता है। वाइड स्ट्रक्चर कहाँ ओपन होता है, सेमिनल वेसिकल में ओपन होता है। और सेमिनल वेसिकल में ओपन होने के बाद में ये जो वास डिफरेंस है ये फिर से कंटिन्यू होती है, ये डक्ट फिर से कंटिन्यू होती है, और डक्ट ये कंटिन्यू होने के बाद में ये ओपन हो जाती है यूरेथ्रा में। ये डक्ट कंटिन्यू होने के बाद में कहाँ पे ओपन होती है, यूरेथ्रा में ओपन होती है। जरा फिर से समझने की कोशिश कीजिए कि टेस्टिस से जो स्पर्म है उसको कौन लेके चला, उसको मूव करवाया वास डिफरेंस ने,
और वास्ट डिफरेंस अल्टीमेटली एक जो है एक जगह आके कैसी हो गई है, एक जगह आके ब्रॉड हो गई है, और उस ब्रॉड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं इस वास्ट डिफरेंस का, क्या बोलते हैं उसको, एम्पुला बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या बोला, एम्पुला बोला। तो ये वास्ट डिफरेंस एम्पुला में ओपन हुई, और एम्पुला में ओपन होने के बाद में कहाँ पे ओपन हुई है, ये ग्लैंड में ओपन हुई, जिसको हम बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड। तो ये क्या है, ये है सेमाइनल सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड। और जो ये सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड होती है ये कैसी होती है, पेयर्ड होती है। यहाँ से क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है कि जो सेमाइनल वेसिकल है ये पेयर्ड है या सिंगल है, तो ये कैसी होती है, पेयर्ड होती है। उसके बाद में ये वापस से ये जो डक्ट है, जो वास डिफरेंस है, ये फिर से एक डक्ट का फॉर्मेशन कर लेती है, लेकिन अब यहाँ पे इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इसको हम क्या बोलने लगते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। अब देखो भाई ये क्योंकि सेमाइनल वेसिकल से आ रही है, इतनी बड़ी ग्लैंड से आ रही है, थोड़ी बहुत इज्जत दे दी जाती है इसको, और इसका नाम चेंज कर दिया जाता है, इसका नाम हो जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। अब थोड़ा सा पीछे चलिए, जो ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है यूरेथ्रा में, ये यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है यूरेथ्रा में, और इसको हम यूरेथ्रा ही बोलते हैं। यहाँ से यूरिन पास आउट होती है, लेकिन होता क्या है कि जब ये इजैकुलेटरी डक्ट ओपन हो जाती है कहाँ पे, यूरेथ्रा में, तो ये यूरिन के साथ साथ अब एक और चीज़ का यही रास्ता कॉमन पैसेज बन जाता है, और वो रास्ता किसका होता है, सीमेन का, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूरेथ्रा से यूरिन तो पहले से ही पास आउट हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ अब सीमेन भी यहाँ से ही पास आउट होगा, तो इस यूरेथ्रा को हम बोलने लगते हैं यूरिनो जेनाइटल डक्ट। इस यूरेथ्रा का नाम चेंज हो जाता है, और इस यूरेथ्रा को हम बोलने लगते हैं यूरिनो जेनाइटल डक्ट, ठीक है ना, इसको हम बोलने लगते हैं डक्ट डक्ट यूरिनोजेनाइटल डक्ट। अब देखिए सर क्या है कि ये जो यूरेथ्रा है ये अब कॉमन पैसेज बन चुका है यूरिन का भी और सीमेन का भी। अब देखो क्या होता है, इस सेमाइनल वेसिकल के नीचे एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है मटर के दानों की तरह, और इस ग्लैंड को हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, या इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं, इसको बोल सकते हैं काउपर्स ग्लैंड, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये जो ओपनिंग है, जो ये इजैकुलेटरी डक्ट ओपन हो रही है यूरेथ्रा में, ये ओपनिंग एक डोनट शेप ग्लैंड से कवर रहती है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, इस ग्लैंड को हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है ना। तो इस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। और जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ये कैसी होती है, सिंगल होती है भाई साहब। प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी होती है, सिंगल होती है, जबकि जो सेमाइनल वेसिकल है या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ये भी कैसी होती है, पेयर्ड होती है, वन पेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि यहाँ से जो वास डिफरेंस है ये ओपन कहाँ होता है, सेमाइनल वेसिकल में ओपन होता है, और उसके बाद में इस वास डिफरेंस से कंटिन्यू होकर कहाँ पे जाता है, यूरेथ्रा में जाके ओपन होता है। जो सेमाइनल वेसिकल के बाद में जो वास डिफरेंस है उसका नाम हो जाता है इजैकुलेटरी डक्ट, और यहाँ से इसी तरह से यूरेथ्रा का नाम चेंज हो जाता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट में। अब देखो क्या है, यहाँ पे ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी बोलते हैं, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसको हमने क्या बोला, पेनिस बोला, और ये पेनिस क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है मेल का, ठीक। अब जो ये पेनिस है इसका जो ये स्वेलन वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, ये स्वेलन पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, इसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, और इस ग्लैंस पेनिस के ऊपर एक मूवेबल स्किन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन। तो यहां पे मूवेबल
एक मूवेबल स्किन प्रेजेंट है जिसको हमने क्या बोला, फोर स्किन बोला, फोर स्किन, ठीक है ना। तो देखो यहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि जो ये स्वेलन स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या बोला, पर्टिकुलर ग्लैंड्स, ग्लांस पेनिस बोला, और उसके ऊपर जो स्किन प्रेजेंट होती है उसको हमने फोर स्किन बोलते हैं या प्रिप्यूस भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक। अब यहां पे जो ये पोर होता है, ये पोर जो है एक कॉमन पोर होता है जहां से यूरिन भी रिलीज होती है और सीमेन भी रिलीज होता है, तो इसको हम बोलते हैं यूरिथ्रल मेटस, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिथ्रल मेटस बोलते हैं। यूरिथ्रा कहा जाए आपसे तो यूरिथ्रा कॉमन पैसेज है किसके लिए, यूरिन और स्पर्म के लिए, यानी कि एक ऐसा पैसेज, एक पर्टिकुलर ऐसा रास्ता है जहां से यूरिन भी जा रही है और सीमेन भी जा रहा है, जबकि यूरिथ्रल मेटस एक कॉमन ओपनिंग है। ये क्या है, ये कॉमन ओपनिंग है, ठीक है ना, ये कॉमन ओपनिंग है। किसकी कॉमन ओपनिंग है, यूरिन की एंड सीमेन की, यूरिन की एंड सीमेन की, ठीक है ना। तो वो कॉमन रास्ता है यूरिन और सीमेन का, ये कॉमन ओपनिंग है यूरिन और सीमेन की, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो देखो जो मेल है, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीन ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। एक कौन सी ग्लैंड होती है, एक होती है सेमाइनल वेसिकल जो कि पेयर्ड है, ठीक है ना। एक ग्लैंड होती है डोनट शेप जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि अनपेयर है, सिंगल है। और एक होती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं क्या, कॉपर्स ग्लैंड जो कि क्या है, पेयर्ड है। मैंने कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे देख लिया है, और जो यहाँ पे मेन चीज़ है वो क्या है, ये तीन ग्लैंड्स हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये तीन ग्लैंड्स हैं। इन तीन ग्लैंड्स के बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन सी ग्लैंड्स किस किस चीज़ का सिक्रीशन करती है, इस पर क्वेश्चन बेटा ज़रूर आता है। तो आइए इन ग्लैंड्स की बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग बात करते हैं ग्लैंड्स की। ये ग्लैंड्स बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इनका सिक्रीशन है, ठीक है ना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे सिक्रीशन से रिलेटेड, तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग एक चीज़ को डिस्कस करें कि भाई सीमेन कहीं पर लिखा होता है सीमेन और कहीं पर लिखा होता है स्पर्म, तो ये सीमेन और स्पर्म का क्या चक्कर है। तो सीमेन इक्वस टू सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, ठीक है ना। तो सीमेन बराबर क्या होता है, सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म। हमने बात की है कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो तो टेस्टिस में होता है, ठीक है ना। तो जो ये सेमाइनल प्लाज्मा है, जो बेसिकली ये जो फ्लूड है, ये फ्लूड का फॉर्मेशन करती हैं यही तीन ग्लैंड्स मिलकर। अब ये फ्लूड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसका फॉर्मेशन हुआ, तो देखो इसके बहुत सारे कारण थे, ठीक है ना। जो स्पर्म है वो क्या कहता है, फर्टिलाइजेशन करता है, और उस फर्टिलाइजेशन को करवाने के लिए जो फैक्टर्स चाहिए वो ये सेमाइनल प्लाज्मा के पास में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि स्पर्म को एनर्जी चाहिए वो प्रेजेंट है, स्पर्म को वो ल्यूब्रिकेशन चाहिए वो भी ये सेमाइनल प्लाज्मा प्रोवाइड करती है, स्पर्म को एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए वो भी ये सेमाइनल प्लाज्मा प्रोवाइड करती है। तो सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इक्वल्स टू सीमेन। अब हम बात करते हैं कि ग्लैंड की, तो सेमाइनल वेसिकल कैसी होती है, सबसे पहले तो ये पेयर्ड होती है, ठीक है ना। और जो इसका सिक्रीशन होता है वो एल्कलाइन सिक्रीशन होता है, और इसकी पीएच कितनी होती है, 7.4। ओवरऑल सीमेन की भी पीएच कितनी होती है, 7.4 होती है, लेकिन अगर आपसे अलग से पूछा जाए कि भैया बताओ सेमाइनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है उसकी पीएच कितनी है, तो आप कहोगे 7.4 है, ठीक। जो भी सेमाइनल प्लाज्मा होता है, जो भी सेमाइनल प्लाज्मा होता है उसका 60% वॉल्यूम, जो सेमाइनल प्लाज्मा का 60% वॉल्यूम है वो यही अकेली ग्लैंड सेक्रेट करती है, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है ना। और थोड़े समय के लिए यहाँ पे स्पर्म स्टोर भी रहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब ये बहुत सारी चीज़ें सेक्रेट करती है, क्या क्या, जो इसका ये सिक्रीशन होता है एल्कलाइन सिक्रीशन होता है, इसमें कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे प्रोस्टाग्लैंडिंस। प्रोस्टाग्लैंडिंस एक ऐसा हार्मोन है जो इजेकुलेट होने के बाद में, स्पर्म इजेकुलेट होने के बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऐसा होता है कि आफ्टर कॉपुलेशन, जब इजेकुलेशन हो गया, इंसेमिनेशन हो गया, तब क्या होता है, चांसेस होते हैं कि वो सीमेन बाहर भी आ सकता है,
तो सीमेन को बाहर आने से रोकने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत होती है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को कॉन्ट्रैक्ट करता है ये हार्मोन, जिसको हमने बोला प्रोस्टाग्लैंडिंस। अब क्लॉटिंग फैक्टर, तो ये कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी सिक्रीट करता है जो कि सीमेन को कोगुलेट कर सके, ठीक है ना। फिर ये यहाँ पे एनर्जी के लिए फ्रक्टोज को, कैल्शियम को और कुछ सर्टेन एंजाइम्स को भी सिक्रीट करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेमाइनल वेसाइकिल का जो भी जो सिक्रीशन है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो कोई कहे कि फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, बिल्कुल फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर होता है और हार्मोन्स भी वहां पे प्रेजेंट होता है। आगे की बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी होती है, सिंगल होती है। तो देखो पूरे सेमाइनल प्लाज्मा का 60% सिक्रीशन तो इसने किया और जो 25% नियरली जो सिक्रीशन होता है, 25-30% जो सिक्रीशन होता है, इसको हम लिख देते हैं 25-30% जो सिक्रीशन होता है वो कौन सिक्रीट करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और जो इसका सिक्रीशन है वो स्लाइटली एसिडिक होता है और मिल्की सिक्रीशन होता है। अगर आपसे इसका पीएच पूछा जाए तो ये स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.5 पीएच होता है, ठीक है ना। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे ये एसिड को सिक्रेट कर रही है, यानी कि सिट्रिक एसिड को सिक्का सिक्रीशन होता है, किससे, प्रोस्टेट ग्लैंड से, जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है। साथ ही साथ कुछ एंजाइम्स का भी सिक्रीशन होता है जैसे फॉस्फेटेजेस, एमाइलेजेस एक्सेट्रा, और हार्मोन्स यही वाला प्रोस्टाग्लैंडिंस का भी सिक्रीशन करती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कैसी होती है, पेयर्ड होती है और लगभग इसका सिक्रीशन कितना होता है, 5-10% होता है। इसका सिक्रीशन कैसा है भाई, एल्कलाइन सिक्रीशन है, म्यूकस सिक्रीशन है, जो कि क्या काम करता है, पेनिस को लुब्रिकेट करता है और पेनिस को डैमेज होने से बचाता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो पेनिस को लुब्रिकेट कर रहा है, ये भी एल्कलाइन सिक्रीशन क्या कर रहा है, दे रहा है सेमाइनल प्लाज्मा को। तो कुल मिला के सेमाइनल प्लाज्मा का या सीमेन का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7.4। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि बताओ जो सीमेन है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो ये सारी चीजें वहां पे आ जाएंगी। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन सबको आप मिला देना अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, और अगर आपको अलग अलग पूछा जाए तो अलग अलग भी आप बता सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।